और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रूपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग का जो भी टॉपिक अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है। अगर दिया रहेगा सम डॉग आर एलिफेंट, सम एलिफेंट आर टाइगर, ऑल टाइगर आर कैट्स, तो यही रिलेशन बताना है। यानी कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते एलिफेंट है, जो एलिफेंट नहीं है, जो हाथी नहीं है, वो शेर है। तो हम क्वेश्चन को इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यह जो सिलोजिज्म का टॉपिक है, यह हमारा रीजनिंग का दिवेस्ट टॉपिकों में से एक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम डोर आर वॉल्स, सम डोर आर वॉल्स, यानी कुछ दरवाजे क्या हैं, दीवाल हैं। ऑल वॉल्स आर फ्लोर, ऑल वॉल्स आर फ्लोर, ऑल फ्लोर्स आर रूम, ऑल फ्लोर्स आर रूम, सम रूम्स आर विंडो, सम रूम्स आर विंडो। अब कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन इसमें है, फर्स्ट है ऑल वॉल्स आर रूम। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल वॉल्स आर रूम्स। सेकेंड कंक्लूजन है सम रूम्स आर डोर, सम रूम्स आर डोर। थर्ड कंक्लूजन दिया हुआ है सम रूम्स आर वॉल्स, सम रूम्स आर वॉल्स। और फोर्थ कंक्लूजन दिया हुआ है सम फ्लोर्स आर डोर्स, सम फ्लोर्स आर डोर्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है नन, ऑप्शन बी दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ऑप्शन ई दिया हुआ है ऑल फॉलो, यानी सारे कंक्लूजन सही हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस फोर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस फोर स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। तो क्या यह चारे कंक्लूजन इस चारों स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है? अगर सेटिस्फाइड करता है तो स्टेटमेंट सही है, या जो जो स्टेटमेंट सेटिस्फाइड करता है वही स्टेटमेंट सही है। इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है सम डोर्स आर वॉल्स, इसका मतलब है कि सम डोर्स यानी कुछ हमारे जो दरवाजे हैं वो क्या हैं, वॉल्स हैं, यानी दीवार हैं। अब देखिए वॉल्स दिया हुआ है, इसमें तीन चीज़ हमें स्पष्ट कर लेना है। कुछ डोर्स वॉल्स हैं तो कुछ वॉल्स भी डोर हैं, और कुछ वॉल्स डोर नहीं हैं, इसका मतलब हुआ कि सारे वॉल्स डोर नहीं हैं, ठीक है। यह तीन स्टेटमेंट्स हर स्टेटमेंट में क्लियर कर लेना है, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है ऑल वॉल्स आर फ्लोर, यहाँ देखिए ऑल वॉल्स, सारे वॉल्स क्या हैं, सारे दीवार फ्लोर हैं, फ्लोर्स हैं। इससे भी क्या होता है, ऑल वॉल्स आर फ्लोर तो सम फ्लोर आर वॉल्स, सम फ्लोर आर नॉट वॉल्स, इसका मतलब हुआ
कि ऑल फ्लोर्स आर नॉट वॉल्स, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ऑल फ्लोर्स आर रूम, ऑल फ्लोर्स क्या हैं, रूम्स हैं। सम रूम्स आर विंडो, यहां सम रूम्स क्या है, विंडो है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फोर स्टेटमेंट के द्वारा हमने डायग्राम बना लिया। अब इन स्टेटमेंट से जो डायग्राम बना है, हम एक एक कंक्लूजन को चेक करेंगे कि यह कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वही कंक्लूजन लिखा है जो स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ऑल वॉल्स आर रूम, यानी हमें रिलेशन किसके किसके बीच है, वॉल्स और रूम के बीच रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें रूम्स देखना है कहाँ है। हमने देखा रूम्स यहाँ है, रूम का रिलेशन किससे है, विंडो से है। अब इसके बाद हमें समझना है कि जब रूम का रिलेशन विंडो से है और वॉल का रिलेशन बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ ऑल वॉल्स दिया हुआ है, तो जो फ्लोर दिया हुआ है, सारे वॉल्स हमारे क्या हैं, फ्लोर है। सारे वॉल्स हमारे फ्लोर है, लेकिन सारे फ्लोर हमारे वॉल्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस वॉल्स में क्या है, टोटल हमारा फ्लोर है, यानी ये जितने भी वॉल्स हैं ये सारे हमारे क्या है, फ्लोर हैं। अब यहाँ देखिए ये जो वॉल्स दिया हुआ है, ये सारे वॉल्स में फ्लोर हैं। अब ये वॉल्स यहाँ देखिए, सम डोर जो है वो वॉल्स हैं और जो सम वॉल्स हैं वो डोर हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ डोर दिया हुआ है। अब सारे जो हमारे फ्लोर हैं वो हमारे क्या हैं, रूम्स हैं, लेकिन कुछ हमारे रूम है वही हमारे फ्लोर हैं। अब इसमें हमारा जो रिलेशन पूछ रहा है रूम में और वॉल्स में, तो देखिए यहाँ रूम दिया हुआ है और यहाँ फ्लोर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फ्लोर दिया हुआ है। तो यहाँ फ्लोर, यहाँ फ्लोर, यहाँ वॉल्स और यहाँ रूम, अगर इसमें हमने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया तो सारी कहानी हमारी बन गई। तो देखिए ये जितने भी हमारे वॉल्स हैं वो क्या हैं, फ्लोर हैं, यानी जितने भी वॉल्स हैं सब फ्लोर हैं, और सारे जो हमारे फ्लोर हैं वो क्या हैं, रूम्स हैं। क्या हैं, रूम्स हैं। इसका मतलब है कि इस फ्लोर में टोटल रूम है, क्या है, टोटल रूम है, यानी जितने भी ऑल वॉल्स हैं वो सारे वॉल्स हमारे रूम हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही कह रहा है ऑल वॉल्स आर रूम। फिर से समझिए, आप इस दो डायग्राम को लेकर चलिए, सारे वॉल्स क्या हैं, फ्लोर हैं, यानी जितने भी वॉल्स हैं वो सारे फ्लोर हैं। यहाँ देखिए सारे फ्लोर हैं, इस सारे फ्लोर के अंदर क्या है, सारे वॉल्स हैं, तो सारे जो फ्लोर हैं वो हमारे क्या है, रूम्स हैं, यानी सारे फ्लोर के अंदर क्या है, रूम्स हैं, तो सारे वॉल्स भी हमारे रूम्स हैं, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो गया, राइट। सेकंड देखिए, सेकंड दिया हुआ है सम रूम्स आर डोर, तो पहले आप रूम देखिए कहाँ है, यहाँ रूम है, और फिर डोर को देखिए यहाँ पे है, तो बोल रहा है सम रूम्स आर डोर। तो अब ध्यान से देखिए, रूम यहाँ भी दिया हुआ है, तो अगर सारे फ्लोर हमारे रूम्स हैं तो कुछ रूम्स भी हमारे फ्लोर हैं, तो ये सारे फ्लोर क्या हैं, रूम्स हैं। यहाँ देखो फ्लोर दिया हुआ है, तो इस फ्लोर के अंदर क्या है, रूम्स अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए सारे फ्लोर हमारे वॉल्स हैं, तो सारे वॉल हमारे क्या हैं, फ्लोर हैं, और इस फ्लोर के अंदर ये कुछ फ्लोर ही हमारे क्या हैं, वॉल्स हैं, तो कुछ फ्लोर के अंदर हमारे क्या है, रूम है, यानी ऑल फ्लोर हैं वो क्या है, हमारे रूम्स हैं, तो ऑल वॉल्स भी हमारे क्या हैं, रूम्स हैं। अब यहाँ वॉल्स दिया हुआ है, तो सम डोर हमारा क्या है, वॉल्स है,
तो कुछ वाल्स हमारा क्या है, डोर है, लेकिन ये टोटल वाल्स के अंदर क्या अवेलेबल है, रूम अवेलेबल है। तो जब टोटल वाल के अंदर रूम अवेलेबल है यानी टोटल वाल्स रूम है, तो सम डोर्स हमारा वाल्स है, तो कुछ वाल्स भी हमारा डोर है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या है, सही। थर्ड देखिए, सम रूम्स आर वाल। थर्ड हमारा बता रहा है कि सम रूम्स, कुछ रूम है वो क्या है, वाल है। तो हमें रूम और वाल्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ रूम दिया हुआ है, ऑल फ्लोर्स आर रूम्स, तो सम रूम्स आर फ्लोर, लेकिन सारे रूम्स हमारे फ्लोर नहीं है। पर ये तो कन्फर्म है कि ऑल फ्लोर्स हमारे क्या है, रूम्स है, यानी जितने भी फ्लोर हैं वो सारे रूम हैं। यहाँ फ्लोर दिया हुआ है, यानी ये जितने भी फ्लोर हैं ये सारे रूम हैं। तो ऑल वाल्स आर फ्लोर, तो सम फ्लोर आर वाल्स, तो सम फ्लोर वाल्स है और सारे वाल्स रूम हैं, तो सम रूम्स आर वाल्स हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या, थर्ड कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही। अब फोर्थ कंक्लूजन देखिए, सम फ्लोर आर डोर्स। तो फ्लोर देखिए कहाँ है, फ्लोर यहाँ है और डोर कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए, ऑल वाल्स आर फ्लोर, तो सम फ्लोर आर वाल्स, ऑल फ्लोर आर नॉट वाल्स। इसका मतलब है कि सारे वाल्स क्या हैं, फ्लोर हैं, यानी सारे वाल्स फ्लोर हैं। तो यहाँ वाल्स दिया हुआ है, तो सारे वाल क्या है, फ्लोर है। तो स्टेटमेंट कर रहा है सम फ्लोर आर डोर्स। तो यहाँ देखिए, सम डोर अगर वाल्स है तो सम वाल्स भी क्या है, डोर हैं, ठीक है। तो डोर है तो ये सारे वाल्स के अंदर क्या है, फ्लोर हैं, तो सम फ्लोर भी हमारे डोर्स हैं। यानी ऑप्शन क्या हो गया, फोर भी सही, यानी चारों सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो डायग्राम से बनाओगे, एक चुटकी में बन जाएगा, सेकंड में बन जाएगा। अगर आप फाइव क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाते हो, तो जब छठा क्वेश्चन आप बनाओगे तो आसानी से बना दोगे। 1000 क्वेश्चन वो अभी बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के नहीं बना रहे हो, आप रट के बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे बनने वाला नहीं है। क्योंकि ये सिलोजिज्म है, आपके स्टेट का कोई भी पेपर दो, आप SSC दो, बैंकिंग दो, रेलवे दो, कोई भी दो, या UPSC दो, सिलेजिज का टॉपिक से 4, 5, 3, 2 क्वेश्चन आना है। और इसमें बहुत सारे बच्चे की मिस्टेक होती है, ठीक है। मेहनत करें। ओके, थैंक यू।